सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो पहला ऑर्डर था, मतलब मैंने जोमेटो की तरफ से एक काम करके देखा था मैंने जोमेटो में, आज पहला ऑर्डर मतलब रिसीव पे नहीं था मेरा। ये वीडियो का जो ब्लॉग था कि ड्रॉप करने के ऊपर था, ये कि ड्रॉप में कैसा क्या इश्यू रहता है, तो मैंने ड्रॉप के ऊपर ये वीडियो बनाई थी। तो आप देख लो कि मतलब मैंने ड्रॉप की कैसी क्या वीडियो बनी, अगर मैं से कुछ गड़बड़ हुई तो प्लीज़ बता देना। अब हम चलते वापस हमारे विजयनगर के एरिया पर, जहाँ का हमने मतलब जहाँ पे ऐसे हमें ऑर्डर मिलने की संभावना रहती है, क्योंकि जोमेटो के अंदर ऐसा रहता है कि आपका एक जोन बना हुआ रहता है, उस जोन के अंदर आपको जाके खड़ा होना पड़ता है, उस जोन के अंदर ही आके आपको ऑर्डर मिलते हैं, उस जोन मतलब 2 किलोमीटर के अंदर अराउंड में आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं विजयनगर में, वहीं पर ही हम खड़े होंगे और इसके बाद में जो भी मेरे ऑर्डर मिलते हैं वो ही मैं आपको बताऊंगा कि फिर इसके बाद मुझे कितने ऑर्डर मिले हैं। और जो भी मेरे चैनल पर प्लीज नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे मैं वीडियो डालूँ जब भी आपको पता चलती रहे। तो चलो अब हम चलते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिएगा। ओहो कच्चा रोड आ गया, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है वैसे भी। अब हम निकलते हैं यहाँ से। चेक करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। डिलीवरी के ऊपर थी जो कि मेरी है, फूड डिलीवरी, जो कि मैं एक्स्ट्रा काम में कर लेता हूँ, किसी की भी आईडी लेके ये काम में कर लेता हूँ मुझे जब भी टाइम मिलता है। जैसे अप्रोक्स में दूसरी जॉब करता हूँ, जब मेरी छुट्टी रहती मैं जब इस काम को भी कर ही लेता हूँ, क्योंकि यही समय कि कुछ करो तो कुछ करने के लिए आया है। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, यहाँ पर चॉकलेट कंपनी है पीछे, ये रही पल्स नहीं एक्लेस की कंपनी है, ये एक्लेस चॉकलेट की। तो ये देखो MRTN का मेट्रो की जो MRTN की लाइन जा रही है, ये तो चलो अब हम चल। ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक लगा हुआ है आगे, अब इस ट्रैफिक को पार करना है। चलो हम निकल कर देखो, ये गलत बात है यार, कार वालों को भी इतनी अकड़ नहीं रखना चाहिए। देखो बुलेट है ना, पूरे गांव वाले इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, कितनी बड़ी गाड़ी थी वो जो कि आपने देखी होगी। ओह ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है यार इस रोड पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ ये देखो ना, ये मेट्रो लाइन की जो लाइन है ये पूरी बंद पड़ी हुई है, ये शायद काम चल रहा होगा इसके अंदर आगे, तो इसलिए इन्होंने ये बंद कर रखी है। तो अब हम इधर से निकलने की, ओहो बारात, अच्छा बारात भी है ये, देखो ना पहली बार देखा मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक्स बांट रहा है ये। चेक करो हमारे इंदौर के अंदर धूले उड़ाई जा रही है बारातों में। टेक करेंगे वरना नॉर्मली पीछे पीछे चलना हमें। बारात देखिए, आपने सभी लेडीज़ों का मेकअप ख़राब कर दिया है, इसीलिए कहते ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए लेडीज़ों को, ठीक है ना। अब देखो उन्होंने धूल उड़ा दी है, धूल में पूरा मेकअप ख़राब हो गया। चलो 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 चलो, हाँ ये देखो गाइस, हाँ ये रास्ता बंद है, दिख रहा ये काम चल रहा होगा इसलिए रास्ता बंद करके रखा है। ये देखो
पास वाला। अब चलते हैं, ये माडेन का ब्रिज है, पीछे टोल टैक्स तो मैंने आपको दिखाई दिया था, आगे टोल टैक्स हो रहा है जो हमें ब्रिज पार करना है, तो हम ब्रिज पार करते हैं। उई आ लगे दचके, चेक करो गाइस, देखना इस तरफ भी है। ये हमारे इंदौर का व्यू, चेक करो, चेक चेक चेक, एमआरटेन ब्रिज से उतरते हुए। ये नहीं इंटरेस्टेड, ये हमारा नया बस स्टैंड बन रहा है मेट्रो टावर का, सॉरी मेट्रो का, हाँ बस स्टैंड भी कह सकते हैं क्योंकि बसें भी आएगी यहाँ पे, हमें जो सिटी बस चलती है यही बस आएगी, और कौन सी आएगी दूसरी तो आ भी नहीं सकती यहाँ पर। चलो अब यहाँ से भी निकलते, इस जगह को छोड़ते, अभी हमें पहुँचना है विजयनगर। विजयनगर अभी 11 किलोमीटर था वहाँ से, 12 किलोमीटर के अराउंड कुछ है हमारा विजयनगर। अब हमें जल्दी से अपने जगह पर पहुँचना है वरना हमारा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा। हम वापस आ गए गाइस एमआरटेन पर, चौराहे पे हमेशा सेफली। ये एमआरटेन है, चलो निकलते हैं। ये भी एक कट है, यहाँ से भी आराम से, एक तरफ है धूप एक तरफ है छांव, चेक करो रोड पर। क्या क्या बहाने हैं, कैसे जाने में तुम कैसे तुम। अब ये वापस से ही वही रोड चले रही है, लेकिन अभी तो अपन बहुत दूर है, अभी अप्रोक्स 4 किलोमीटर आ गए हैं, 6 किलोमीटर, हाँ 6 किलोमीटर बचा हुआ है अभी, तो अभी हमें पहुँचते हैं। हाँ हम ना एक्चुअली विजयनगर पर नहीं चलेंगे अपन, हाँ सत्य साई पर खड़े रहेंगे, क्योंकि विजयनगर पर जाने से मतलब नहीं है। अगर विजयनगर का जो ऑर्डर रहेगा होता है वो भी हमें यहीं से ही बुला लेते हैं, वो इधर से ही बुला लेगा, क्योंकि 2 किलोमीटर के, ये देखो अंकल को सूझ, ऐसे ऐसे लोग उधर बताओ, बीच में गाड़ी खड़ी कर दी लाके, तो एकदम मैं ब्रेक नहीं लगाता था अंकल का क्या होता। खैर मेरी गाड़ी तो वैसे स्लो थी, इतना कोई लोड नहीं है, स्लो गाड़ी में इतना दिक्कत नहीं देती है, जो फास्ट बाइक आती है उसमें ही दिक्कत रहती है। चलो 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 अब हम सत्य साई पे निकल चलते हैं, यहाँ यहीं से ही आ जाते हैं इस तरफ। हाँ विजयनगर, जैसे कि मैंने बताया था विजयनगर जाने से कोई मतलब नहीं है,
अभी हम आ गए सत्य साई चौराहे पर। ये सत्य साई चल रहा है, मेघदूत गार्डन का रास्ता है ये। ये एक्सप्रेसवे चेक करो, यहाँ पर कितनी सारी दुकानें लगी है ये देखो। यहाँ पर जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको 6 बजे के बाद यहाँ का एक ब्लॉग बना के बताऊँगा कि यहाँ पर कितनी भीड़ लगी रहती है। 6 बजे के बाद यहाँ पर बहुत, अभी दुकानें खुलना शुरू हो गई है, अभी सब स्टार्टअप जमा रहे हैं सब अपना अपना, और शाम को ही यहाँ पर रहती है श्री मेघदूत गार्डन। जब भी टाइम मिलेगा हम मेघदूत भी आएंगे और इसका ब्लॉग भी शूट करके बताऊंगा मैं आपको इसके।